नमस्कार मित्रों, मैं सर्वोदय सिंह राजपूत ग्राम गौरावरा मऊ से सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय ब्लॉक के ग्राम गौरावरा मऊ का यह कांड है। हमारे प्रधान जी हैं मुख्तार अली प्रधान जी। ये प्राथमिक गौरावरा मऊ का जो है प्राथमिक विद्यालय जिसपे ये जो बन रहा है, जहाँ तक हमको जानकारी है, इसका पैसा कुछ समय पहले निकाल लिया गया है और ये आज कार हो रहा है। तो प्रधान जी, एक प्रधान जी, अगर आप सक्षम हो कि इसका प्रूफ दे सकते हो अभी तुरंत ऑन स्पॉट। सुने सुने, पहले ये कब पैसा पास सुनिए 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 ये पैसा कब पास पहले बात सुनिए पहले मेरी बात सुनिए पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। पैसा कब पास हुआ? अगर जल्दी में पास हुआ है तो आप बनवाइए। अगर 2 महीने पहले 3 महीने पहले अगर पास हुआ है, जब तक न्यायिक कार्रवाई नहीं हो जाएगी आप नहीं बनवा सकते। सुनिए सुनिए पहले जी, ये प्रस्ताव दिया गया है, इसकी सबकी कार्य योजना बनी जी। कार्य योजना पूरे 1 साल की बनती है। हाँ। काम उसमें वरीयता क्रम से लिया जाता है जी। समझ में आया? जैसे आंगनबाड़ी का है वो भी कार्रवाई में है, ये भी कार्रवाई में है, कार्य योजना में है। हाँ। समझ में आया? ऐसा है कि बगैर क्या कहते हैं कार्य पूर्ति के पैसा नहीं निकलता है जी। इसका पैसा कब निकला है? अभी पैसा नहीं निकला है, नहीं निकला अभी पैसा नहीं निकला है। काम अब शुरू हुआ है, काम पूरा हो जाएगा तो उसका पेमेंट होगा। हमको जानकारी है ऐसी हाँ। कि इसका पैसा आप सुनिए, आप विधिवत रूप से हमारी तरफ से आप स्वतंत्र हैं जी। आप ब्लॉक से नहीं, हमारे पास पूरी जानकारी लेना नहीं, हमारे पास मौजूदा। सुनिए सुनिए, ब्लॉक से आप पूरी जानकारी ले लीजिए, आप और विधिवत जानकारी कर लीजिए जी। समझ में आए जी? और जितनी जानकारी करना हो उतनी आप जानकारी कर लीजिए। हाँ। उसके बाद में जो भी आपको कार्रवाई करना है वो कीजिए, तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं। क्या आप लिखित रूप से दे सकते हैं कि इसका पैसा भी पास नहीं हुआ है? है? लिखित रूप से दे सकते हैं इसको? क्या इसका पैसा पास नहीं हुआ है? ये कार्य योजना में है, कार्य योजना के तहत काम शुरू हो गया। कार्य योजना में है मैं मानता हूँ, इसका पैसा पास नहीं हुआ है, आपने पहले नहीं निकाला है, लिख के दीजिए काम चालू। सुनिए सुनिए, पैसा पहले पास नहीं, कार्य योजना बनती है, उसमें वरीयता क्रम में वहाँ से अनुमोदन होता है कि उसके बाद में काम शुरू हो जाता है, तभी पैसा निकलता है। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये लिख के दीजिए कि इसका पैसा पहले नहीं निकाला गया, तो आप काम चालू करिए, नहीं तो जब तक जांच हो जाएगी। सुनिए सुनिए, आप जांच कराइए, जब तक जांच नहीं, नहीं नहीं आप जांच कराइए, तब तक आप हमारी बात एक बात मानेंगे नहीं। मानूंगा, हम आप समझ में, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मानूंगा, आप बिलवर विधवत, आप हमको क्या कहते हैं वो चीज हमको आप दिखा दीजिए, आप दिखाइए। हम नहीं, आप दिखा दीजिए पैसा निकला है तो किस तारीख में निकला है, कितना पैसा निकला है, क्योंकि आपको जानकारी है। हम तो कह रहे हैं कि पैसा अभी नहीं निकला है, पैसा नहीं निकला है तो उसका प्रूफ दीजिए, नहीं निकला। समझ में, अब कार्य योजना, अब काम चालू है, काम करने के बाद पैसा निकलेगा? नहीं, पैसा है ना, जितना काम होगा उसी हिसाब से क्या करें, मटेरियल का और मजदूरों का पैसा निकलेगा। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, बिंदु यही है, अगर पैसा नहीं निकला है तो उसको भी आप दे सकते हैं, अगर पैसा निकला है तो मेरे पास है। अगर दिखाओ ना निकला है तो हम झूठे हैं? नहीं निकला, उसको आप प्रूफ करिए। हम तो कह रहे हैं नहीं निकला। अगर नहीं निकला है तो आप 10 दिन वेट करिए। हम वेट नहीं करेंगे, जांच के उपरांत आप कार्य। नहीं नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, नहीं तो मीडिया आएगी। हाँ, मीडिया हो, मीडिया आएगी, प्रशासन आएगा, जितनी व्यवस्था है बिल्कुल होगा। और जब बता रहा हूँ कि पैसा नहीं निकला, नहीं हो जाएगी, तब तक आप काम नहीं करेंगे। काम हो रहा है, और अगर अवैधानिक रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर आपके द्वारा कार्य किया जाएगा तो सर्वप्रथम मैं विरोध में आपके खड़ा हूँ। नहीं नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, हम विरोध पर स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र, सबको अधिकार है विरोध करने का। एक छोटी सी बात, 2 लाइन की बात है, अगर आपका पैसा नहीं निकला है तो आप हमको दे दीजिए, पैसा नहीं निकला। हम तो कह रहे हैं पैसा नहीं निकला, नहीं निकला है, आप 10 दिन रोकिए, जाँच हो जाएगी, उसके बाद बनाएंगे। नहीं तो हम काम को वेट नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर जो हमको समझ पड़ेगा ये उसके बाद जो है आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाए। क्लिक कर रहा है,